फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तेपिस रेसिपी। फ्रेंड्स, दिवाली में नाश्ते में जीरा पूरी, मसाला पूरी, गोबा पूरी, बहुत सारी वैरायटीज की पूरियां बनती है। लेकिन पूरी में थोड़ा सा कंटाला आता है, छोटी छोटी पूरी बना के उसे फिर तलने का। लेकिन आज हम बनाते हैं मसाला स्ट्रिप्स। बहुत ही झटपट से इजीली बन जाएगी और एकदम ही इजीली उसे आप हैंडल भी कर पाएंगे और उसे आप स्टोर भी अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए बनाते हैं मसाला स्ट्रिप्स। ये लिया है मैंने 500 ग्राम मैदा। मैदा लेना है हमें 500 ग्राम। उसके साथ लिए हैं थोड़े बहुत मसाले। मसाले में लिया है चिली फ्लेक्स, एक चम्मच जितना चिली फ्लेक्स है, एक चम्मच जितना मिरी का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर है, अधकचरा है, मतलब दरदरा कुटा हुआ है, और ये है एक चम्मच जितना अखा जीरा। उसके साथ लिया है 1/4 चम्मच हींग, एक चम्मच जितना नमक, और 1/4 कप जितना हमें मोंड के लिए ऑयल लगेगा। तो आइए बनाते हैं मसाला स्ट्रिप्स। लेकिन सबसे पहले हम जीरा को रोस्ट करेंगे। आयन तवे पे हम रोस्ट करेंगे जीरा को। मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे क्योंकि जीरा बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाता है। अच्छा सा ब्राउन कलर का जीरा हो तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। मिक्स करते हुए अच्छे से इसे रोस्ट करना है। एक साइड अगर अपने छोड़ दिया, इसे मिक्स नहीं किया, तो वो जल सकता है। इसीलिए अच्छे से इसे मिक्स करते रहिए, हिलाते रहिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है और इसमें से स्मोक भी निकलने लगा है और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू भी रिलीज हो रही है। तो बस ये टाइम पे हम ऐड कर देंगे मिरी पाउडर और चिली फ्लेक्स। मिरी पाउडर और चिली फ्लेक्स को हमें बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, इसीलिए गैस को टर्न ऑफ करती हूँ। और बस हल्का हल्का इसका कच्चापन जो है वो निकल जाना चाहिए, हल्का सा मॉइस्चर रहेगा वो भी निकल जाएगा। तो हमें पूरी में स्ट्रिप्स बनाएंगे उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। अभी हमें इसे हल्का हल्का कूट लेना है। जीरा को हमें कूटना है क्योंकि अगर जीरा तेल में जाएगा तो वो फूटेगा तो वो बाहर निकल जाएगा और ऑयल में छूट जाएगा जीरा, इसीलिए हमें स्ट्रिप्स में उसका टेस्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए हम जीरा को हल्का हल्का कूट लेते हैं और कूटने के बाद ही हम पूरी या तो फिर ये हमारी मसाला स्ट्रिप में ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अभी हमारा ये मसाला रेडी हो गया है। एकदम ही मस्त से हमने कूट लिया है जीरे को और बाकी भी पाउडर फॉर्म में ही यूज किया था, लेकिन हल्का सा वो भी बारीक हो गया है। तो बस अभी हम गूंथते हैं आटा। अभी सबसे पहले हम ऐड करेंगे तेल। 1/4 कप ऑयल है। अच्छे से इसे मिक्स करना है पूरे मैदे के अंदर, हर एक जगह पे ऑयल पहुंचना चाहिए और पूरा आटा अच्छे से मॉइश हो जाना चाहिए ऑयल से। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अच्छे से मोंड हर एक जगह पे, हर एक कवर हो गया है और बहुत ही अच्छा बाइंड भी आ रहा है। तो बस इसके अंदर अभी हम ऐड करेंगे नमक, हींग और हमारा मसाला। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे आटा गूंदेंगे पानी से। फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स होने के बाद इसके अंदर हम धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे पानी और पानी से आटा गूंदते हैं। नॉर्मल पानी ही हम यूज करते हैं, वार्म वाटर हम यूज नहीं करेंगे। और हमें इसका आटा लगाना है पराठे जैसा, बहुत ज्यादा कड़क नहीं, सख्त नहीं और बहुत ज्यादा नरम भी नहीं।
हमारा मसाला स्टिक का आटा रेडी है एक गूंद के भी, और आप देख सकते हैं एकदम मुलायम आटा हमारा रेडी हो गया है। तो बस इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे और उसके बाद इसमें से हम मसाला स्ट्रिप बनाएंगे। 10 मिनट के रेस्ट के बाद हमारा आटा जो है वो एकदम ही मस्त रेडी हो गया है। तो बस इसे हल्का सा गूंद लेंगे और गूंदने के बाद इसमें से छोटा सा पेड़ा लेंगे। बहुत ज्यादा पेड़ा, बहुत मोटा पेड़ा नहीं लेंगे, छोटा सा पेड़ा लेंगे क्योंकि हम स्ट्रिप बनाएंगे पतली पतली। थोड़ी सी पतली बनाएंगे तो मस्त से खस्ता बनेगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी। सूखा आटा हम यूज नहीं करेंगे बेलने के लिए। अगर आपके पाटली के ऊपर, चकले के ऊपर चिपक रहा है तो थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर दीजिए और उसके बाद आप अच्छे से बेल सकेंगे। एक साइज के बाद आप चपले को ही घुमाते जाइए और बेलते जाइए। ऑयल की वजह से नीचे चिपकने वाला तो है नहीं। तो स्ट्रिप के लिए इतनी मोटाई रखनी है हमें, आधा इंच जितनी ही मोटाई रखनी है, बहुत ज्यादा मोटा हमें नहीं रखना है। तो बस एक बार हमने निकाल लिया और इसमें से अभी हम बना लेंगे स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स कट करने के लिए हम रूलर की मदद भी ले सकते हैं, लेकिन हर एक घर में चिमटा तो रहता ही है, तो मैं चिमटे की मदद से स्ट्रिप्स कट करती हूँ 1 इंच की चौड़ाई, और लंबाई आप अपने हिसाब से जितना भी लंबा रखना चाहें वो हिसाब से आप स्ट्रिप को प्रिपेयर करेंगे। हम इसका आधा करते हैं, अराउंड 3 सेंटीमीटर जितना स्ट्रिप्स हमारा बनेगा। तो मैंने अपने हिसाब से इतनी लंबाई रखी है, आपको अपने हिसाब से जो भी कंफर्टेबल शेप्स है, कंफर्टेबल लंबाई है, यूज कर सकते हैं। तो बस इसे अभी हमें फ्राई करना है। जब तक ऑयल गर्म होता है हम हल्के हल्के छेद कर लेते हैं इसके अंदर, ताकि फूल के ये स्ट्रिप्स गोल ना हो जाए। हमें इसको फ्लैट ही रखना है, इसीलिए हम इसे फूलने नहीं देंगे, गोल नहीं होने देंगे। हल्के हल्के फोक की मदद से इसमें छेद कर लीजिए। ऑयल भी हम थोड़ा सा आटा डाल के चेक कर लेते हैं। बस हमारा ऑयल जो है वो गरम हो गया है, तो इसके अंदर हम स्ट्रिप भी छोड़ देंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हल्का सा पिंक होने तक हमें इसे फ्राई करना है, और अच्छे से अलट पलट के ही हमें इसे फ्राई करना है। अलट पलट करेंगे नहीं तो एक साइड डार्क हो जाएगा और एक साइड लाइट हो जाएगा।
तो वो खास ध्यान रखिए आप। अभी से ही क्रंचीनेस इसका आवाज आने लगा है, तो स्ट्रिप जो है वो एकदम ही मस्त खस्ता बनने वाली है। फ्रेंड्स बस इसे अब हम निकाल लेते हैं ऑयल में से, और हो सके उतना एक्सेस ऑयल को निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ऑयल के अंदर भी जीरा या मसाला हमारा इतना छूटा नहीं है, तो कूटने की वजह से ही हमारा मसाला जो है वो अच्छे से स्ट्रिप्स में पकड़ लिया है और उसमें से निकलेगा नहीं। तो फ्रेंड्स रेडी हो गई है हमारी मसाला स्ट्रिप, एकदम ही क्रंची, एकदम ही क्रिस्पी और बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी। आप आवाज सुन सकते हैं इसकी क्रंचीनेस 100%। आपको बहुत ही मजा आने वाला है, चाय के साथ खाइए और एंजॉय कीजिए। देखते रहिए मेरा चैनल धरतीज रेसिपी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही मेरी नई नई रेसिपी आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। लेकिन फ्रेंड्स ये दिवाली जरूर बनाइएगा और बना के प्लीज मुझे कमेंट में शेयर कीजिए आपके एक्सपीरियंस। थैंक यू।